मॉक में क्या करना है कैसा मेरा सीक्वेंस होना चाहिए पैटर्न ऑफ सॉल्विंग होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट ये सब तो पता होता है बच्चों को जो बेसिक चीज होती है कि मॉक के पहले क्या करना है और मॉक के बाद क्या करना है इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं है कोई बहुत ज्यादा ही पढ़ लेते हैं तो एग्जैक्टली exactly करना क्या चाहिए ठीक है सो इसमें ना मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने बच्चों को बताया भी है और हर कोई यही बोलता है कि मॉक के बाद का स्केड्यूल फिर भी बच्चों को पता है कि हर कोई बोल रहा है कि यार एनालिसिस आन, आनल, करो एनालिसिस हाँ। करो एनालिसिस हाँ। करो लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मॉक से पहले क्या करो देखो मॉक से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होता है कि आपने इमेजिन करो कि 1st ऑफ दिसंबर होने उस दिन क्या होगा हाँ। आपके मन में नर्वसनेस होगी

अगर आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो आपके पास नहीं है hmm. कोई सेंटर फिर hmm. भी आप एक काम ये कर सकते हो कि आप मेबी कोई अनफेमिलियर सी जगह मतलब अपने घर के hmm. अलावा कहीं चले जाओ कोई लाइब्रेरी चले hmm. जाओ कोई स्टडी रूम कहीं होगा hmm. या hmm. कोई अपने फ्रेंड के घर पे चले जाओ विच इज आउट ऑफ ए कम्फर्ट जोन जाके तो वहां जाओ और वहां जाके मॉक लिखो ठीक है लेकिन अब जब आप ट्रैवल करोगे ट्रैवल करने से hmm. पहले आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे को एक घंटे पहले पहुंचना भी होता है और एक घंटे पहले पहुंच के आप बस बैठे हुए हो कि अच्छा ठीक है मेरे को मॉक लिखना है

दो सेक्शन का वो कर लो तीन सेक्शन जो है वो मे बी आप मंडे हो कर लोन बी कम्प्लीटली फ्रेश अगेन एंड उस समय तक भी आपके माइंड में 80, 80 चीजें जो है वो रहेंगी तो दिस इज वॉट योर आइडल यू नो स्केड शुड बी प्रायर बिफोर एंड आफ्टर